जय श्री राधे जी। ज़िंदगी बड़ी सही तरीके से चलती चली जा रही थी, कारोबार भी बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले 5 सालों से कारोबार काफ़ी ढलान पे है और पहले के जैसे फ़ायदा नहीं रहा। और पिछले कुछ अरसे में, 6 महीने साल भर में, तो ऐसी परिस्थिति हो गई है कि भविष्य को लेकर चिंता होने लगी है कि पता नहीं आगे क्या होगा, किस तरीके से जीवन चलेगा। काफ़ी बुनियादी चीज़ों के लिए भी संघर्ष करने जैसी स्थिति आगे की लग रही है। ऐसा कब तक रहेगा और क्या जीवन में कभी कुछ अच्छा होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों के होते हैं जो पामोम एनालिसिस अभी करेंगे। इसमें भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं, इनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा काफ़ी कुछ ऐसी कॉमन परिस्थितियों को जानेंगे जो कि काफ़ी लोग अपनी हथेली के द्वारा उन चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। बुध पाम को एनालाइज करेंगे और जो हाईलाइट्स है वो आपके समक्ष रखेंगे। शुरुआत करेंगे एक खास रेखा से जो कि हथेली में मौजूद है, और वो स्थिति है आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के मध्य बनने वाले इस क्रॉस के। जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में तो बहुत सारे लोगों ने क्रॉस देखा होगा, जैसे कि इस हथेली में भी एक छोटी सी स्थिति बन रही है, लेकिन इस क्षेत्र में क्रॉस की स्थिति कम देखने को मिलती है। इसका एक खास मतलब है, तो चलिए उसके विषय में जानते हैं। पहले आपको दिखा दूँ कि ये बुध पाम में है, ठीक है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी एनालाइज करो, बुध पाम एनालाइज करो, ताकि रियल चीज़ें आप तक पहुँच सके और सही तरीके से विवेचना आपको समझ आ सके और उसके अनुरूप आप आगे कुछ बेहतर कर सके। इससे क्या पता चलता है, ऐसे लोग बहुत ही कम उम्र से क्रियाशील हो जाते हैं, यानी कि वर्किंग मोड में आ जाते हैं बहुत ही छोटी उम्र में। और ऐसे लोग अपने पारिवारिक जो कार्य होते हैं उसे आगे बढ़ाने वाले होते हैं, पारिवारिक मूल्यों के साथ चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे की तरफ ले जाना इनके नस नस में होता है। ये लोग दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा काम करने वाले होते हैं और जीवन को में एक संतुलन बना के रखना हमेशा पसंद करते हैं, जिसमें आर्थिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर और सामाजिक तौर पर ये तीनों चीज़ें इनके अंदर सम्मिलित होती है। यानी कि एक तरीके से सीधे समझ लो कि ये कभी इनके पास से कोई दुखी होकर नहीं लौट सकता, ठीक है? लेकिन जिसे आप बोलते हैं कि क्या इसका मतलब है कि ये सामने वाले के फायदे के लिए कुछ करते हैं, जी बिल्कुल नहीं, ये आपके फायदे के लिए भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर भी इनके सामने से दुखी नहीं लौटेंगे, क्योंकि इनकी बात करने की जो इनकी शैली होती है और लोगों को डील करने का जो इनका तरीका होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। एक कारोबारी के रूप में बनिए वाले सारे गुण इनके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से विद्यमान होते हैं। अब हम आते हैं कुछ खास सवालों पे जो कि जातक के द्वारा पूछा गया है। तो सबसे पहले आप समझ लें कि उसके लिए कौन से फैक्टर आपके जीवन में काम करने वाले होते हैं। अगर हम गुरु की बात करेंगे तो आपके गुरु की जो है कि सिचुएशन है वो काफ़ी वेल डेवलप है, काफ़ी सही तरीके से जा रही है। इसमें कोई भी खास सिंबल यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उसका कोई नुकसान आपके जीवन में नहीं है, ठीक है? जीवन सही तरीके से आगे की तरफ ऐसे ही बढ़ती रहेगी। अगर जीवन में कोई बहुत बड़ी आकांक्षा पाल रखी है कि वो पूरी हो जाए, तो वैसा कभी कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनि की स्थिति कैसी है, जितने कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। उससे अलग और अत्यधिक ब्रेक थ्रू जैसी चीजें आपके जीवन में कभी नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल सामान्य रूप से आपके जीवन के साथ चलती चली जा रही है। कोई भी नुकसान की जैसी स्थिति शनि के इस क्षेत्र से आपके लिए पैदा नहीं हो पा रही है। जब भी देखो किसी की हथेली में ऐसी परिस्थितियां मौजूद होना जबकि ये ज्यादा ढलवा नहीं हो और इस पर कोई खास रेखा नहीं हो, तो ये जीवन में एक सामान्य संतुलन की स्थिति को स्पष्ट तौर पर दर्शाती है, जिस समय ना आपकी महत्वाकांक्षा ज्यादा आगे बढ़ती है, ना ही आपका लोभ आगे बढ़ता है, और आप चीजों को जैसे जी रहे हो उसी तरीके से सिस्टम से आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा आपके सन के इस माउंट की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कुछ नई रेखाएं हैं जिसके विषय में आपको जानना चाहिए, जिसमें आपके द्वीप की जो यहाँ पे स्थिति बन रही है खासकर त्रिभुज की, वो दो दो अवस्था में यहाँ पर मौजूद है, और ऐसी परिस्थितियाँ आपके लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसने बाल्यकाल यानी बाल्यावस्था से ही इसने आपको स्थापित किया है, आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाई है, जिसमें कि पारिवारिक रूप से जो आपकी पुश्तैनी चीज़ें थी उसका भी सहयोग आपको जीवन में मिला है। इस बात को नोट करना, बिकॉज लास्ट में आप उसके जो रीज़न है उसके बारे में आप समझ पाएंगे कि मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ। इसके अलावा जो दूसरे की स्थिति आपके ऊपर कवर के रूप में यहाँ पे बैठ रही है, एक खुद की मेहनत से स्थापित किए जाने वाले उद्यम की ओर इशारा करती है, जो कि आप खुद से स्थापित करके अपने जीवन में बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ाते हुए ले चलेंगे, जो कि पुश्तैनी तौर पर हमेशा आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, यानी कि आपके आने वाले संतान भी उन चीज़ों को आगे लेके जाएगी। इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि हाँ, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? चलो अब हम बात करेंगे आपके बुध के इस क्षेत्र की, यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है। ये बिल्कुल सामान्य अवस्था में काम कार्य कर रही है, बुद्धि विवेक की स्थिति बिल्कुल फिट फाइन है, यहाँ से कोई भी मुश्किल की जैसी स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है, ठीक है? इसके अलावा अपनी वाणी पर आपका जबरदस्त नियंत्रण है और उसके कारण आप अपने जीवन में काफ़ी बेहतर स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं और आगे भी आप करेंगे।
अगर आपके हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा की शुरुआती अवस्था यहाँ पर बेहतर स्थिति में नहीं है, लेकिन पत्नी के साथ सहयोग की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी खासी बन पड़ी है और आपके जीवन में आपकी जो उपलब्धि है उसमें उनका काफ़ी अच्छा खासा योगदान है, जो कि आगे भी हमेशा आपके लिए बना रहेगा। और एक पति पत्नी के रूप में आप एक बेहतर जीवन हमेशा जियेंगे। और अगर मन में, आपने चूंकि सवाल नहीं पूछा, लेकिन अगर मन में ऐसी कोई शंका हो जाए कि क्या किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग जैसी, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों आसपास ही जाओगे, जब भी जाओगे काफ़ी आगे के एज में, ठीक है, तो कोई इशू जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, कोई गम जैसी कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं होगी यहाँ पे। अब हम बात करेंगे आपके मस्तिष्क रेखा के इस क्षेत्र के विषय में। देखो, जब भी आपके जीवन रेखा से निकलती कोई रेखा इस तरफ जाती है ना, तो मन में एक उत्कंठा होती है कि हाँ, हम किसी ऐसे कार्य में जो कि राजनीति से को रिलेट करता है, ठीक है, यानी समाज सेवा से, वैसे कार्यों की तरफ भी अपना योगदान, उसके कारण भी हमारी थोड़ी पहचान, हमारा थोड़ा नाम जीवन में हो जाए। लेकिन उसकी तरफ आप जाएंगे तो आपको सफलता की जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, उल्टा घाटा करवा के आप वापस गए छब्बे बनने दुबे बन के लौटे, ऐसी जैसी परिस्थितियां आपके जीवन में वहां पे आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए आप अपने कारोबार में ही अपने जीवन को लगा के रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी जो सोच है वो सही तरीके से जा रही है, लेकिन कुछ मिडिल एज है जिस समय सही तरीके से कार्य करने की स्थिति में नहीं है। अगर अभी आपकी करेंट एज 40 ईयर्स है, तो जब आपकी एज 29 ईयर्स थी उसके टाइम में, इसके अलावा जब आपकी एज 37 ईयर्स थी उसके टाइम में, इसके अलावा जब आपकी एज 56 और 57 की एज में रहेगी, उस एज में कुछ ऐसे समय है जिस समय कुछ गलत निर्णय जो कि आप अपने तरीके से सही लेंगे, लेकिन उसका प्रभाव गलत तरीके से आपके जीवन पर पड़ेगा, वैसा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसलिए अपने सोच को, तौर तरीकों को हमेशा अच्छे तरीके से नाप तोड़ लें, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी जिस समय आपके द्वारा किया गया निर्णय जो कि आपको सत्य प्रतीत और सही प्रतीत होगा, वो हमेशा सही रिजल्ट देने वाला नहीं होगा, खासकर जब भी उसका संबंध आपकी पुश्तैनी चीज़ों के साथ जुड़ जाए तब, जो कि आपके मंगल की परिस्थितियां दोनों हथेली में चंद्र के साथ स्पष्ट तौर पे दर्शा रही है, जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो आप एक छोटे से क्रॉस की स्थिति देख रहे हैं, ये आपको हमेशा आप में जुनून भर के रखने वाला होता है, ठीक है। ये देखो, क्रॉस की जैसी पूरी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पर छोटी सी गैप एक है जिस कारण ये रेखाएँ आपस में बाइंड नहीं कर पाई हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा बनता है, एक बिजली की जैसी आपके अंदर दौड़ती होती है और नए नए कार्यों की तरफ, नए नए उद्यम की तरफ आप अपने आप को लगाते होते हैं, इन्वेस्ट आप अपनी तरफ से करते होते हैं, लेकिन ये इन्वेस्ट कभी कभी आपको गलत दिशा की तरफ भी ले जाती है, जब आपकी सोच पर कहीं और से चीज़ें हावी होने लगती है तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर पार्टनरशिप आपके लिए हमेशा एक अच्छा विकल्प रहेगा, लेकिन आपने कभी उसका चुनाव नहीं किया होगा, ठीक है। इसलिए कुछ ऐसे उद्यम है जिसकी तरफ बढ़े तो उसमें लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना आपके लिए यहाँ पर श्रेय का रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एक स्थिति देख सकते हैं जो कि नीचे तौर पे पूरे मस्तिष्क रेखा के इस क्षेत्र में आके बैठ गई है। ये आपके उस एज को दिखा रही है जब आप काफ़ी ओल्ड एज में होंगे और उस समय आपके कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो कि मजबूरी वश लिए गए होंगे और उसके कारण आप जीवन में काफ़ी पछतावे की स्थिति की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले से सचेत हो जाना आपके लिए आवश्यक है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जीवन में बहुत ज़्यादा कड़े हो जाएंगे आप ना, तो जल्दी टूट जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएंगे फिर भी टूट जाएंगे, लचीले बन के रहेंगे ना, हमेशा चलते रहेंगे, लाइक आपकी टंग इतने दांतों के बीच में सही तरीके से काम करती है, ठीक है। अब आते हैं आपके मंगल के क्षेत्र पर। देखो, मंगल की इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट मंगल में आप देखेंगे तो जब भी आपकी एज है 19 ईयर्स से लेके 37-36 की एज तक, उस समय तक पैरेलल एक रेखा आपके साथ यहाँ पर वॉच कर रही है जो कि आपकी चीज़ों को संभालने का एक कार्य कर रही है, लेकिन साथ ही बाहर की तरफ से आती हुई जो यहाँ पर मुश्किलें हैं उसे पूरी तरीके से रोकने में सक्षम नहीं हो पाई हैं, ठीक है। इसका सीधा असर है कि आपने विगत वर्षों में, पिछले 2 से 3 से 4 वर्षों में, देखो कोई भी चीज़ें होती हैं ना आपके जीवन में, अगर अभी आई ना तो उसका बीज बहुत बहुत पहले उसकी बीज बो दी गई होती है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि अभी बीज बोई गई अभी चीज़ें हो गई, तो जो भी चीज़ें आपके जीवन में आ रही है ना, बहुत पहले आपने उनसे संबंधित कुछ कर्म किया होगा, जो कि पौधा हमने रोपा, ठीक है, तो लगाया तो आज के डेट में 5 साल के बाद उसमें फल आए हैं, ऐसा नहीं कि आज ही लगाया आज ही फल दे देगा, ठीक है। तो पिछले 3 से 4-5 सालों में जो भी परिस्थितियों से आप जूझ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, उसका जो काम किया गया था वो बहुत पहले उसका बीज बो दिया गया था, जिसका फल आपके जीवन में इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और कैसे, कुछ पुश्तैनी चीज़ें जिसे आप जमीन, घर या जायदाद जैसी चीज़ें कहते हैं, उनका क्रय विक्रय गलत तरीके से और बिना मतलब के, बिना कारण के किया गया है, और उसके उसे
कहीं से बिक्री करके, और दूसरा हमने काम उद्यम शुरू किया है जो कि यहाँ पे आपके जीवन के लिए मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। क्योंकि जब भी यहाँ पर सती रेखाओं का प्रभाव आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से आपके मंगल और चंद्र की इस परिस्थितियों में आ रहा है। ठीक है, आपकी कुंडली की बात की जाए तो बुध दोष की स्थिति वहाँ पर निश्चित तौर पर विद्यमान होगी। इसके अलावा कोई और स्थिति हो नहीं सकती है। मंगल के इस क्षेत्र से जो भी आती परिस्थितियाँ हैं ये वास्तु दोष की तरफ भी आपके लिए इशारा कर रही है, जो कि कारोबारिक क्षेत्र में आपके द्वारा लिए गए गलत फैसलों के कारण आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे यहाँ आएंगे। इसके अलावा शुक्र की तरफ से कुछ उठती रेखाएं हैं, उनके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। शुक्र की तरफ से उठती जो मुख्य रेखाएं हैं वो एक कोण के जैसी स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दर्शा रही है। ठीक है, ये देखो ऊपर की तरफ उठ के नीचे की तरफ आ रही है और आपके चंद्र के इस क्षेत्र में विलीन हो रही है। जब भी शुक्र के इस क्षेत्र से आपकी रेखा निकलती है और वो रेखा काफ़ी जागृत अवस्था में ऊपर की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है, यानी कि वो अप साइड में होती है, लेकिन जैसे ही वो डाउन हो के कोण के जैसी स्थिति का निर्माण करती है, वो जिस भी पर्वत के संपर्क में आती है उस पर्वत के जो कुछ गुण होते हैं उसे ख़त्म करके जो उसके अवगुण होते हैं उसे प्रबल करने का कार्य करते हैं। इस समय क्या होगा, व्यक्ति के शुक्र यानी कि व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है, मनोबल है, जो एक तरीके से इस समय अहंकार का रूप ले चुका है, वो भी बढ़ेगा। और इस तरफ से जो चंद्र की स्थिति है यानी कि मन की चंचलता और स्थिरता को बढ़ाते हुए व्यक्ति को सही तरीके से सही नतीजे पर नहीं पहुंचने देगा और स्त्रियों के सहयोग से ही कुछ ऐसे फैसले लेने की स्थिति में जातक बनता है जो कि भविष्य में जातक के लिए मुश्किल परिस्थितियों को खड़ा करने वाला होगा। तो ऐसी स्पष्ट तौर पे आपके जीवन में 5 साल से पहले की स्थिति बहुत करीब, 5 साल से ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पीछे चले जाना, 5 साल की अराउंडिंग में ही आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ उस समय कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि आपके साथ आपकी पहचान के साथ चीज़ें जुड़ी हुई रही होंगी और उनके साथ कुछ गलत किया गया है, या एक मामला ऐसा भी बनता है, हालांकि आपकी परिस्थिति के अनुसार जो मैंने बताया वो चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थिति बनती है जिसमें क्या होता है कि हमने कुछ गलत क्रय कर लिया होता है गलत तरीके से, तो उसका प्रभाव होता है। जब भी वैसी स्थिति आएगी तो चंद्र के इस क्षेत्र में कई सारी लकीर एक साथ निकलती हुई और मस्तिष्क रेखा के किनारे तक आती हुई दिखाई देगी। चूंकि यहाँ पर सती रेखाओं का प्रभाव पूर्ण रूप से इन दोनों पर्वत क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है, संधि क्षेत्र की अवस्था यहाँ पे खत्म हो चली है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये आपके लिए जो परिस्थिति मैंने बताई उसे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्रों की तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके केतु का यह क्षेत्र है, केतु का यह क्षेत्र शांति से यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके तरफ से कोई भी मुश्किल आपके जीवन में इस तरीके से आ नहीं रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि आगे आने वाला जो जीवन है अगले 3 से 4 साल तो कहीं नहीं जाने, उसमें तो मुश्किल आनी ही आनी है, उसे कोई नहीं बचाएगा, ठीक है। लेकिन आज अगर आप फिर से अच्छे बीज बोते हो तो उसका प्रभाव 3-4 साल के बाद तब देखने को मिलेगा ना अच्छे के रूप में, उससे पहले तो देखने को मिलेगा नहीं। और यहाँ पे क्या है कि आपकी भाग्य रेखा और जीवन रेखा आपस में टकरा गई है। भाग्य रेखा अपना काम कर नहीं पा रही है, जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पे प्रबल है और चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ा रही है, और कोण इन सब के बीच में एक तरीके से बुनियाद का काम यहाँ पे कर रही है। जब कोण के बुनियाद से आपकी भाग्य रेखा आगे की तरफ बढ़ रही हो, जीवन रेखा उससे आगे समाहित हो रही हो, तो चीजों को बिना उलझाए हुए आगे की तरफ नहीं जाने देगी। और जब यहां से चीजें इस प्रकार से आएगी तो आपको कानूनी उलझन की तरफ भी लेके वो जाने ही वाली है, जो कि निकट भविष्य में आपको स्पष्ट तौर पे नजर आ जाएंगी वो चीजें। तो उससे संबंधित जो भी कार्य हो उससे बचने की आवश्यकता है। कोई भी छोटी से छोटी चीजें हों जो कि चल अचल संपत्ति से जुड़ी हुई हो, उसका एक एक फैसला बहुत ही सोच समझ के और सही तरीके से लेना होगा। निकट भविष्य में अगले 3 से 4 सालों तक किसी भी प्रकार के सामूहिक कृत्यों में भाग न लेना आपके लिए हमेशा श्रेयकर रहेगा, अन्यथा उसके जो दुष्परिणाम है वो आपको जीवन में यहाँ पे भोगने की स्थिति बनेगी। अभी अगर कहीं निवेश की स्थिति आप तैयार करते हैं तो आपके लिए कतई भी अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आप फूड रिलेटेड किसी आइटम में निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, या जैसे ऐसा होता है ना कि प्रोविजनल स्टोर वगैरह, इन चीज़ों की तरफ आप अगर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी आपके जीवन में उन्हीं से संबंधित जो लाभ है वो आपके जीवन में आप स्पष्ट तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा कोयले खनिज से संबंधित अगर कुछ कार्य आप करते हैं तो उसमें आपके लिए फायदे की स्थिति शुरुआत से ही बनी हुई है, ठीक है।
अब इसके अलावा हम चलेंगे बाएं हथेली में और वहाँ से कुछ चीज़ों को जानेंगे जो कि आपकी डेस्टिनी को बताते हैं, यानी कि व्यक्ति की डेस्टिनी में चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है। यहाँ पे गुरु के इस क्षेत्र में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेस यहाँ पे काफ़ी वीक है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छे सिंबल की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आपके जस्ट आपके कर्म हाथ में जब हम गए तो वहाँ पर ऐसे कोई भी सिंबल उपलब्ध नहीं है, यानी कि व्यक्ति ने जितना मिला उस तरीके से अपने जीवन को में उतना प्राप्त करने की क्षमता विकसित नहीं कर पाया, जिस कारण कुछ चीज़ें बिना यूज किए ही वापस लौट जाएंगे आपके जीवन में, जो कि स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इसके अलग वहाँ पे जो अलग विकसित हुआ वो है आपके अंदर की एक शक्ति, पावर विकसित हुई जो कि यहाँ पे स्पष्ट तौर पे नहीं दिख रही है। ठीक है, जब भी आपका लो हुआ तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कम हो जाती है, लेकिन वहाँ पे महत्वाकांक्षा बढ़ गई, लेकिन महत्वाकांक्षा के अनुरूप जो जीवन में लाभ होना चाहिए था उसकी स्थिति नहीं बढ़ पाई। यानी कि एक कब होता है जब आप सही तरीके से ब्लूप्रिंट आपका तैयार ना हो और बहुत जल्दी जल्दी जोश में आ जाते हो तो जाके ऐसी परिस्थिति को पैदा करता है। इसके अलावा शनि की स्थिति में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति की हृदय रेखा आई है, हृदय रेखा ने शनि की तरफ मुड़ के एक कोण की स्थिति बनाई है, यानी कि कोण और त्रिभुज के रूप में इसे आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति है एक कोण के रूप में है। ठीक है, कोण की स्थिति बनाई है, एक तरीके से प्रभोग करने जैसी स्थिति है शनि के इस लाइन को, और ये स्थिति आपके लिए जीवन में मुश्किल लेके आने वाली थी, और जो जो मैंने एज तीन एज बताएं उस एज में ये आपको मुश्किल यहाँ पे देने वाली है। हालांकि आपका जो बेस है वो कभी कमज़ोर नहीं होगा, आपने जो अभी जो मन में डर के जैसी स्थिति बनी हुई है कि आगे आने वाले जीवन में ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसा कभी नहीं होगा, जीवन आगे की तरफ बढ़ता रहेगा आपका। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं उस पर हमेशा ध्यान रखना, चल अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी काम, अगर पुस्तकों की कुछ है उसे कभी हाथ भी मत लगाना, इधर उधर करने की तो बात ही दूर है, अपने जड़ से कभी अलग न होना। आप जब भी हो जाएंगे उसके बाद आपके लिए मुश्किल के दौर हमेशा शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियाँ आपके लिए मुश्किल होंगी। इसके अलावा आपकी जो माता जी हैं उन्हें रोज़ याद किया करना, ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध की स्थिति भी यहाँ पे जैसी वहाँ थी वैसी ही परिस्थिति यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बन रही है। इसके अलावा यहाँ पर जब आप क्रॉस की स्थिति देखेंगे काफ़ी ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो इसका जो क्रॉस के जो भी फल हैं वो जीवन के व्यक्ति के जीवन में उसी प्रकार से यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा एक कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डेस्टिनी में आपको एक तरीके से आलस्य आपके अंदर भर रहा है, लेकिन कर्म के क्षेत्र में आप उससे कोसों दूर हैं, यानी अपने जीवन को आप कुछ हद तक आपने कुछ खास चीज़ों में आगे की तरफ आप लेके गए हैं, कुछ चीज़ों में आप पीछे की तरफ लेके गए हैं। शादीशुदा जीवन इसमें भी काफ़ी बेहतर तरीके से आपके लिए नज़र आ रहा है, आपकी वर्तमान हथेली में भी काफ़ी सही तरीके से नज़र आ रही है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति यहाँ भी सही है, वहाँ भी सही है। मंगल की जो स्थिति है सेम कंडीशन वहाँ पर भी आपकी है, और उससे संबंधित चीज़ें आपके जीवन में उसी प्रकार से आई हैं। इसके अलावा शुक्र की बात करेंगे यानी कि वीनस की, तो वीनस माउंट वहाँ पे भी काफ़ी वेल डेवलप है और वेल सेटल्ड है, यहाँ पे भी उसी तरीके से है। ठीक है, तो घर गाड़ी वगैरह जैसी बुनियादी जो सुविधाएं आपके लिए हैं उसकी कमी आपके जीवन में कभी नहीं होगी। मत्स्य रेखा की स्थिति यहाँ पर बनी है लेकिन वहाँ पर नहीं बन पाई है, जो कि आपके समय समय पर असंतुलन जो आपके अंदर पैदा हो रही है उसे स्पष्ट तौर पे बता रही है। इसके अलावा इस क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ भी वैसी ही परिस्थिति बन रही है, विकट इवन की शुरुआती इसकी बात करें तो कुछ समय के लिए आपने विदेश प्रवास किया है लेकिन उसके बाद ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी, तो आगे इससे संबंधित कुछ खास है नहीं आपकी हथेली में। ठीक है, तो अभी जो आने वाला समय है उसके लिए कुछ रेमेडीज वगैरह हैं जिसके रिलेटेड थ्रू व्हाट्सएप जब हमारी बात होगी तो उसके संबंध में आप जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे, और जो कुछ सवाल हो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग वीडियो देख रहे हैं और हाथ दिखाने का आकांक्षी उन लोगों से मैं क्लियर शब्दों में बता दूँ कि फुल्ली फी वेस्ट सर्विस है। आप जब जाते हो नंबर देखने, आपको सिर्फ नंबर दिखता है, वहाँ पर पेट लिखा नहीं दिखता, तो माफ़ कीजिएगा आप अगर इतने अंधे हैं तो मुझे ब्लॉक करने में मेरी नज़र खुली रहती है, जस्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा, हाय हेलो मत लिखा करो, क्योंकि मैंने कई बार बताया है मुझे शब्द सब पसंद नहीं है। ठीक है, सीधा पूछिए आपकी प्रोसीजर क्या है, ठीक है, यहीं से लाइन शुरू करें, अन्यथा सेकेंडों में आपको ब्लॉक करके मैं गंगा नहा लूँगा, सच बता रहा हूँ। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।